आदमी पार्टी राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात उपाध्यक्ष मौसम खान ने गत दिनों टपुकड़ा थाना पुलिस के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के नाम पर अपराधियों के अलावा निर्दोष लोगों को भी गिरफ्तार किए जाने के विरोध में भिवाड़ी पुलिस उप अधीक्षक को अपना ज्ञापन सौंपा। मौसम खान ने बताया कि शनिवार शाम को करीब 7 बजे डालवास निम्बा हेड़ी सहित कई गाँवों में दबिश दी गई। इस दौरान पुलिस ने नाबालिग व महिलाओं सहित मस्जिद में घुसकर नमाज पढ़ रहे मौलवी या अन्य लोगों को गिरफ्तार कर थाने लिए। जब उनके परिजन और जनप्रतिनिधि टपुकड़ा थानाधिकारी से मामले की जानकारी चाहिए और निर्दोष लोगों को छोड़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने यह अभद्रता करते हुए जेल में बंद करने की धमकी भी दी गई। इसके बाद DSP मौके पर पहुंचे और उनके हस्तक्षेप के बाद महिलाओं नाबालिग लड़कों व मौलवी सहित करीब 30 लोगों को छोड़ दिया गया। थानाधिकारी टपुकड़ा का आम आदमी जनप्रतिनिधि के साथ बिल्कुल भी व्यवहार ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि हम किसी भी अपराधी के समर्थन में बिल्कुल नहीं है, लेकिन टपुकड़ा थानाधिकारी अपराधियों के बजाय निर्दोष आम लोगों को मानव अधिकारियों को हनन कर रहा है। पुलिस इस मामले में जांच कर नियमानुसार। जैसे तिजारा में अभी पुलिस के द्वारा एक पवित्र महीना चल रहा है आप लोगों को रमजान और नवरात्रों को, लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्ती तरीके से लोगों को घरों से उठा उठा के उन लोगों को थाने में बंद किया जा रहा है। तो उसी में लोगों को जो परेशानी हो रही है उसी के सेंटीमेंट्स को देखते हुए आज हम लोगों के यहाँ पे SP साहब के यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ज्ञापन दे रहे हैं कि अगर कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी है तो उनको आप पकड़ा जाए, लेकिन बेकसूर और बेगुनाह जो लोग हैं उनके साथ में इस तरीके की जातियाँ नहीं करी जाए। कल हमारे संज्ञान में यहाँ पर इस तरीके का वाक्य आया था कि मस्जिदों के बाहर से भी लोगों को उठा के बंद किया गया है, तो उसी को लोगों को देखते हुए आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता SP ऑफिस में आए और हम लोग ये विनती करते हैं कि आप लोग अगर क्रिमिनल प्रवृत्ति का कोई भी बंदा है उसको आप पकड़ सकते हैं, लेकिन बेकसूर जिनके खिलाफ में कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है आप उनको भी अगर बिठाओगे तो आगे आम आदमी पार्टी आने वाले उसमें यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार रहेगी। क्या लगता है आपने जैसे कि आगे जबरदस्ती उठा करके बंद कर रहे तो आपको लगता है कि कोई पर्सनली कुछ ये टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ये तो जांच का विषय है कि पर्सनली किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से एक पवित्र महीने में मस्जिदों से मौलानाओं को इमामों को यहाँ पे अगर पुलिस के द्वारा लेके जा रहा है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक धर्म विशेष के लिए या फिर किसी भी प्रेशर के पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से लोगों को किया जा रहा है। और ये इसी तरीके से ये नवरात्रों का भी अभी यहाँ पे चल रहा है, कल कुसकड़ा साइड में भी इस तरीके की वारदात हुई है। अगर आपको यहाँ पे करना है तो आप जो भी गाँव के मुखिया है सरपंच से या किसी भी लोगों से आप कर सकते हो, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। जो पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाने का, लेकिन ये थोड़ी है कि आप किसी को भी उठा लोगे। पुलिस का कहना है कि ये रूटीन की